न्यूज यूट्यूब चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। देखिए हमारे साथ है ना ये पूर्वांचल सेवा समिति के लोग हैं, आपको दिखाए कैमरामैन से, कहेंगे एक बार बारी बारी इनको दिखाए पूरा। आज आपको एक अच्छी खबर से अवगत कराएंगे जो कहीं ना कहीं आम आदमी से जुड़ी हुई खबर है, बेहद सराहनीय खबर है। उस खबर के लिए हम आप लोगों को इनसे एक बार मिलवा रहे हैं। ये हमारे साथ जो तमाम लोग हैं पूर्वांचल सेवा समिति के लोग हैं रेवाड़ी में, और जैसे कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जल संचय योजना चलाई है उसको लेकर के कहीं ना कहीं उसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। और ये पूर्वांचल सेवा समिति के लोग हैं रेवाड़ी में, जो ऐतिहासिक धरोहर है सोलह राही उसके जीर्णोद्धार को लेकर के ये समिति के लोग मिल रहे हैं जिला उपायुक्त से। और ये चाहते हैं कि जो सोलह राही है जो कहीं ना कहीं आज बदहाल स्थिति में है और जहाँ पानी संचय किया जा सकता है, वो इनका जीर्णोद्धार करना चाहते हैं सोलह राही का, तो उसको लेकर के मिल रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं। एक बार सीधा इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर क्या है पूरा, ये किस तरीके से उसकी अपनी योजना को अंजाम देंगे। एक बार आप अपना शुभ नाम पहले पूरा सर। मेरा नाम रामाधार शर्मा हुआ, मैं पूर्वांचल सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ और हम यहाँ आए हैं पीटीसी साहब से मिल करके हम जो है विचार करें। और वो सोलह राही तालाब का हालत बहुत ख़राब देखा हम लोगों ने, तो हमारी कमेटी ने ये आपस में सलाह की कि भाई ये सोलह राही तालाब जो है इसको हम बढ़िया ढंग से थोड़ा सा सफाई करें, सीढ़ी वगैरह बनाएं, उसके आठ पे चारों साइड घाट पे फूल पत्ती लगाएं ताकि वो थोड़ा सा दर्शनीय बन सके। अच्छा, एक जल संचय की योजना केंद्र सरकार ने चलाई, क्या वहीं से आप लोग प्रेरित हुए? जी, ये सरकार जो चला रही है मुहिम सफाई के लिए, पानी सफाई के लिए, तो वही सब देख करके हम लोग भी चाहे कि, और दूसरी हमें एक फायदा भी है, साल में हमारा एक छठ पूजा आता है तो साफ सुथरा जगह रहेगा तो हम छठ पूजा करने के लिए जगह जो ढूंढते फिरते हैं वो ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक दो दिन हमारे छठ पूजा का जो पूजा होगा वो उसी तालाब में कर लेंगे और सालों साल हमारी कमेटी लग करके उसकी सफाई देख रेख करती रहेगी। और भी हमारे साथ लोग हैं, आप जो मिल रहे हैं मेन टॉपिक आप लोगों का क्या है? मैं अरुण कुमार सिंह। अभी क्या है, सरकार स्वच्छता अभियान चलाती है तो हम लोग स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूक हुए। वहाँ पे जो तालाब का हालत था बिल्कुल जीर्ण हालत में था, घास फूस है, हम उसको परिवर्तित करें, उसको सौंदर्यीकरण पे ध्यान दें, उसका सर सफाई करें, फिर उसका पूजा स्थल बनाए, दर्शनीय स्थल बनाए, तो ये हमारे लिए गौरव की बात होगी। पूर्वांचल आपको लगता है गवर्नमेंट देगी वो जगह, करोड़ों की बेशकीमती जगह है, या तो आप पानी संचय के लिए करें, लेकिन आप तो छठ पूजा के लिए मांग रहे हैं। हाँ, अभी क्या है कि हम लोग कुछ दिखाएंगे, अच्छा आगे आके उसका सौंदर्यीकरण पे हम लोग अपने जो भी सदस्य हैं पूर्वांचल सदस्य के तो आगे बढ़े हैं उस पर करेंगे, हो सकता है सरकार भी हम लोगों को मदद कर सके। पर प्रधान जी से बात करते हैं, आपने कहा पूर्वांचल के लोगों को दे दे, क्यों नहीं आप तमाम लोगों को रेवाड़ी के और भी लोग उनको साथ लेके चले, पूर्वांचल ही क्यों नहीं, सबको ही लेकर के चलेंगे। लेकिन क्या है, हमारे पूर्वांचल पे तो मेरा हक है, बाकी लोगों से तो प्यार मोहब्बत से कहेंगे जो आया मेरा साथ दिया, सफाई में लग गया, थोड़ा सा जो मदद कर दिया, उनसे कोई मना नहीं है कि हाँ आप मत आओ, आप लोकल के हो तो मत आओ, कहीं और के हो तो मत आओ। मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि सब मिलकर के सफाई करो। इसके अलावा सोलह राही के अलावा और भी है, बड़ा तालाब है, बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहर है, वही बड़ा तालाब को भी करेंगे। बड़ा तालाब तो ऐसे ही हो रही है सफाई, चाहे जिसके भी सिस्टम से हो रहा हो। इसका बजट कहाँ से चल रहा है? इसका बजट तो हम अपने पूर्वांचल सेवा समिति से ही लेंगे, हम अपना खुद के ही बजट लगाएंगे। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं जो कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार आप आइए, आप क्या कहना चाह रहे थे? हमारी ये रजिस्टर्ड संस्थान है और छठ पूजा की जहाँ तक बात है, छठ पूजा सिर्फ दो दिन की पूजा होती है, लेकिन हमारी सरकार ने जो योजना जल संचरण की योजना बनाई है और सफाई योजना बनाई है उसके तहत हम वहाँ जल का भी संचरण करेंगे जिससे कि पर्यटक स्थल में उसको बदला जा सके और पूरे साल भर और बिना लोकल के सहयोग के कोई काम नहीं होता है। लोग पूर्वांचल संस्थान तो हमारी रजिस्टर्ड संस्थान है, एक संस्थान के तहत आगे बढ़ेंगे। रेवाड़ी में बहुत सारी संस्थानों ने प्रयास किया, इसका बजट भी आया, कुछ कामयाब नहीं हो पाए, बजट का भी आज तक अता पता नहीं है, क्या लगता है आपको सरकार सुन पाएगी आप लोगों की बात, मानेगी? इससे पहले भी हमने एक छठ पूजा पहली बार यहाँ पे सूरज गार्डन में हुआ था जिसमें 150 मीटर की हमने एक टैंक तैयार किया था और बहुत ही बढ़िया तरीके से उसके अंदर पूजा हुआ था, लेकिन उसको अगले ही दिन उसको बंद कर देना पड़ा। लेकिन जब हम वहाँ पे सरकारी स्थल में करेंगे तो वो हमें अगर उसका संरक्षण का हमारे को दायित्व दिया जाएगा और दायित्व दिया जाएगा, उसका अधिकार की बात नहीं होती है, दायित्व ही मिलेगा और उसके दायित्व के कारण हम उसकी साफ सफाई
पर्सनल लेवल पे भी और करेंगे और लोगों के साथ सामूहिक रूप से लोगों से पैसे कलेक्ट करके भी करने का पूरा प्रयास करेंगे और प्रयास से ही सफलता मिलती है। मांग उठाने से पहले आप तमाम शहरवासी लोगों को जोड़ते, तमाम जो सामाजिक संगठन है उनको साथ लेके चलते, खाली पूर्वांचल का नाम नहीं आता, रेवाड़ी जिले का नाम आता। असल क्या है कि जब तक हम अपने संस्था पहले आगे बढ़ने के लिए हमें पर्सनल लेवल पे आगे बढ़ते हैं, फिर संस्था के लेवल पे आगे बढ़े हैं और फिर साथ साथ हमें, जाहिर सी बात है, हम लोग अगर बाहर के लोग हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं, तो बिना यहाँ के लोकल लोगों के सहयोग के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता, लेकिन उस काम को हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तभी वो काम हो सकता है और सबको मिलाकर ही हम ये काम को आगे बढ़ा पाएंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं सोच अच्छी है, सपने अच्छे हैं, अब देखने वाली बात यह प्रशासन कितना गंभीर होता है, इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और ये पूर्वांचल वासी को किस तरीके से सोलह राही का जो है जीर्णोद्धार करने के लिए परमिशन देता है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्वांचल वालों की सोच अच्छी है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR News, रेवाड़ी।